जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजीविका की ओर से राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए उत्पाद बिक्री और प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं पेश है एक रिपोर्ट जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में लगे राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे गए हैं राजीविका की ओर से आयोजित इस मेले में महिला आर्टिजन के अनोखे और मनमोहक उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं मेले में जहां मिट्टी के दिए लाख के कंगन और अन्य उत्पाद को सजीव बनाकर पेश किया जा रहा है वहीं ब्लू पोल्ट्री और पेंटिंग्स और हैंडमेड पेपर की कारीगरी भी आकर्षण का केंद्र है मैं हमारे यहाँ गांव में हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट का काम होता है जहाँ पे 30 से 35 महिलाएं वर्क करती हैं और जैसे काफी तरीके के आइटम बनते हैं डायरी हो गए, नोट पैड हो गए स्लिप पैड हो गए और भी कैरी बैग हो गए गिफ्ट आइटम जैसे बच्चों के डायरी हो गए इस तरीके से आइटम बने ये श्वेता कलर है श्वेता कलर है और इन सादी मूर्ता ने किरिया गूंद और थोड़ा भुरा दा और मैदा रांद के और भी की पतली पतली लाई कर ई पर चटाता है फिर में पकती है फिर ये वैसे चमक देती है मेले में ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए एटीएम वैन भी उपलब्ध है वहीं ग्राहकों के लिए विभिन्न तरह के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद लकड़ी के उत्पाद और अन्य सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं स्पेशली हैंडमेड सोप्स और कुछ सेरेमिक प्रोडक्ट्स मैं उसी को देख के वी वर अट्रैक्टेड एंड वी वर लाइक क्या आ जाए यहाँ और सच में बहुत अच्छा कलेक्शन है सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट इस बार थोड़ी भीड़ कम है बट ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छा है राजीविका की ओर से आयोजित इस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक मंच उपलब्ध करवाया गया है जिससे वो अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकें और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकें। ये राजीविका मेला हम प्रतिवर्ष लगाते हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष से स्टॉल आई भी है इसमें टोटल एक स्टॉल है जिसमें 20 स्टॉल फूड कोर्ट में है 145 सौ स्टॉल डिफरेंट आइटम्स हैं ये सारी स्टॉल्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रही है उन्हीं महिलाओं की है एक्सक्लूसिवली उनके लिए ये फेयर है